हेलो एवरीवन, आई एम विग्नेश शर्मा। वेलकम टू ईसा इंस्टीट्यूट ऑन द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स के। प्रोटोजोन्स को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोटोजोन्स हैं उनको सबसे पहले 1677 के अंदर जोहान हॉक ने डिस्कवर किया था। जो प्रोटोजोन्स हैं उनको फोर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। सेकंड जूफ्लैजिलेट, थर्ड आते हैं इसके अंदर राइजोपोडा, एंड फोर्थ आते हैं इसके अंदर सिलिएट। इन फोर क्लासेस के अंदर प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया। इनको डिवाइड करने के पीछे रीजन, जूफ्लैजिलेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपनी मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू शो करेंगे, फ्लैजिला के थ्रू अपनी मूवमेंट को शो करेंगे। राइजोपोडिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सुडोपोडिया के थ्रू अपनी मूवमेंट को शो करेंगे, ठीक है। एंड सिलिएट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिलिया के थ्रू अपनी मूवमेंट को शो करेंगे। बात रही स्पोरोजोआ की, स्पोरोजोआ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाई गई जिसके अंदर जिसको नाम दिया गया स्पोरोजोआ। उसके अंदर स्पोर्स फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया और ये तीन क्लासेस उनके मूवमेंट के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेप साइज एंड स्ट्रक्चर की प्रोटोजोआ की सेप साइज एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है। होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा, मतलब बहुत स्मॉल लेवल के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी के ऊपर सिलिका या फिर कैल्शियस कवरिंग होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बॉडी सिमेट्री की, तो इनकी बॉडी बाइलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री की होती है। बाइलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन या फिर बोल सकते हैं हम इसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होगी या फिर इसके अंदर बोल सकते हैं इसका ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस होगी, एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होगी, कॉन्टेक्टाइल। अब हम बात करें इसके प्रोटोजोन्स के अंदर रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फ्यूजन के थ्रू, फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एंड फ्यूजन भी टू टाइप्स इसके अंदर हो सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन या फिर दोनों टाइप के अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है प्रोटोजोन्स के अंदर। पर हम बात करें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर इसको बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर ऐसा सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, या फिर एक प्रोसेस होती है जो कि मेनली बैक्टीरियाज के अंदर देखने को मिलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिलिएट्स की, सिलिएट्स की। तो सिलिएट्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स रखे गए हैं वो है पैरामीशियम, वर्टिसेला, ओपेलिना। इन एग्जाम्पल्स को सिलिएट्स क्लासेस के अंदर रखा गया है। अब बात करें जूफ्लैजिलेट्स की, जूफ्लैजिलेट्स के अंदर ट्रिपैनोजोमा,
वेस्टमानिया एंड जियाडिया को रखा गया। ठीक है, इसमें अब स्पेसिफिक एक्ट्रेस यहाँ पे ट्रिपेनोजोमा के अंदर देखने को मिलते हैं। ट्रिपेनोजोमा से एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस टाइप की डिजीज ट्रिपेनोजोमा से होती है एंड इसके अंदर जो वेक्टर वेक्टर जो यूज होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर स्लीपिंग सिकनेस करने के लिए वो होती है टेस्टस फ्लाई। टेस्टस फ्लाई ठीक है, इसके थ्रू जो ट्रिपेनोजोमा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है और स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज होगी वो होगी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जब ट्रिपेनोजोमा एंटर करेगा उसके बाद में। ठीक है, जब ये ट्रिपेनोजोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर करेगा तो उसे स्लीपिंग सिकनेस होती है और टेस्टस फ्लाई एज ए वेक्टर बिहेव करती है इसके ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं लेस्मेनिया की बात। तो लेस्मेनिया से दम दम फीवर या फिर इसको बोलते हैं कालाजार। इस टाइप की फीवर होती है जिसके अंदर वेक्टर होती है वो होती है सेंट फ्लाई। ठीक है, एंड जियाडिया को बोलते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये थे जूफ्लेजिलेट्स के एग्जांपल्स। राइजोपोडा, तो राइजोपोडा के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है अमीबा एंड अमीबा एंड प्योलेमिया। ये एग्जांपल्स आते हैं राइजोस्पोरोजोआ की। तो जो स्पोरोजोआ में एग्जांपल आता है वो आता है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होती है जैसे कि प्लाज्मोडियम वायरेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम। प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम होती है वो मोस्ट डेंजरस स्पीसीज होती है एल्कोहल का कॉज करने के लिए और प्लाज्मोडियम वायरस से नॉर्मल मलेरिया कॉज होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो वेक्टर यूज होती है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये सारा था प्रोटोजोन्स के बारे में एंड की फोर क्लासेस के बारे में जिसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स रखेंगे हैं उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशन। थैंक यू।